फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस समय SSC CHSL का एग्जाम चल रहा है, जिसका हम लोग रिव्यू करा रहे हैं। रिव्यू में पहला 12 अक्टूबर का हम लोग ने पूरा क्वेश्चंस, जितने भी आपके GK से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, करंट से, मैथ और रीजनिंग, बाकी सब क्वेश्चन आपको दिया जा चुका है। बहुत सारे बच्चे देखे भी हैं, तो आप अगर अभी भी उसको, आपका पेपर अगर नेक्स्ट डे है, तो आप लोग उसको भी देखें, आज का रिव्यू देखें, मतलब डेली का रिव्यू देखकर ही जाएं, जिससे कि कुछ आपको आइडिया लग सकेगा कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, करंट का कितना वेटेज है, मतलब सबका वेटेज पता चल जाएगा आपको, ठीक है। और बाकी तो अगर देखें हम लोग कल के कंपेरिजन में आज का पेपर देखा जाए, तो सब कुछ सेम है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव मैथ बना दिया है। जो 13 अक्टूबर वाला है वह थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया है मैथ। कल ये मॉडरेट लेवल है, मॉडरेट टू हार्ड, हार्डर टू मॉडरेट लेवल आ गया है मैथ। और बाकी कल वाला तो इजी था, काफ़ी इजी था, हलवा क्वेश्चन था, लेकिन आज में जो GK रीजनिंग है, बिल्कुल भी उसी तरह है, पैटर्न बिल्कुल नहीं चेंज हुआ है, मतलब सब सेम है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी, जैसे उसमें था इजी टू मॉडरेट, आज वाला भी इजी टू मॉडरेट है, लेकिन मैथ में थोड़ा कैलकुलेशन है। क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आप लोग को। तो देखेंगे, पहले हम लोग GK सॉल्व करते हैं फटाफट, फिर बिल्कुल रैपिड एंड फायर स्पीड से, फिर उसके बाद रीजनिंग सॉल्व करते हैं, लास्ट में हम लोग मैथ सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को किस युद्ध में हराया था। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को किस युद्ध में हराया था, तो आपको पता होगा, जो कि आपका पानीपत का तीसरी लड़ाई हुई थी, यानी 14 जनवरी 1761 वाला, यह हुआ था ना मराठों के साथ अहमद शाह अब्दाली का। तो उसमें जो होते हैं कि मराठे हार जाते हैं, जब मराठे हार जाते हैं, अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, तो ये पानीपत का तीसरा लड़ाई होता है। आप लोग को पता होगा पानीपत का पहला लड़ाई कब होता है, बता देंगे, 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली सल्तनत का लास्ट वंश होता है, और लास्ट वंश का लास्ट शासक लोदी वंश का, इब्राहिम लोदी के साथ होता है 1526 में। इसके बाद तीसरा 1556, ठीक है, यह तीनों लड़ाई आप लोग याद रखेंगे, पानीपत का है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, क्या नाम है विटामिन डी का रासायनिक नाम, बता देंगे, कैल्सीफेरॉल। इसी तरह अगर पूछा जाए बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम बताइए, जो कि बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाता है, बी सिक्स का नियासिन, इस तरह मतलब बी ट्वेल्व का ज़्यादातर पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है इसमें कौन सा मटेरियल पाया जाता है, धातु पाया जाता है, तो बता देंगे बी ट्वेल्व के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। इस तरह पूछ सकते हैं ए बी सी डी ई और के, जितने भी हैं उसके लिए एक आप लोग को प्लेलिस्ट में सारा सब कुछ दिया गया है, विटामिन के बारे में सब पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रह्मपुत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो बता देंगे मानसरोवर, तिब्बत के बिल्कुल पार, वहीं से आपकी तीन नदियाँ निकलती, सिंधु, सतलज, और आपका आपका ब्रह्मपुत्र भी निकलता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में कहा जाता है सांग को, और जब अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करता है तो दिहांग नाम से जाना जाता है, फिर वह ब्रह्मपुत्र जब असम में आता है तो गार्ज, सबसे बड़ा नदी गार्ज बनाता है, नदी द्वीप बनाती है, उसी जगह नदी द्वीप बनाती है, उसको माजुली कहते हैं, माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं, सबसे बड़ा पूरे विश्व में सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप, नदी द्वीप, ठीक है, माजुली द्वीप, जो कि हमारे असम में है। इसके बाद असम में उसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, फिर वह जब एंट्री करती है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में उसको बोला जाता है आपका जमुना नदी बोला जाता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, कैग मतलब CAG अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति जो है, प्रधानमंत्री का, उपराज्यपाल का, राज्यपाल का, बहुत सारे लोग का, जैसे कि कैग हो गए, आपके CGI हो गए, मतलब ये सबको शपथ दिलाने का काम हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, बता देंगे वरिष्ठ, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वरिष्ठ जज, इंडिया के जो वरिष्ठ जज होते हैं वह कराते हैं, ठीक दोस्तों। अनुच्छेद, यह अनुच्छेद कैग का जो वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 148 में किया गया है, यह याद रखेंगे, जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो बता देंगे राष्ट्रपति द्वारा। तो आप यहाँ से अब एक चीज सीख जाएंगे, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति कराते हैं, सब पढ़ के जाएंगे दोस्तों। अब इस समय अगर पूछा जाए कैग आपके कौन है, तो बता देंगे गिरीश चंद्र मुर्मू, मनोज सिन्हा पहले आपके राज्य रेलवे मंत्री थे, तो उनको उठा के वहाँ पे कर दिया गया, जम्मू कश्मीर का CM बना दिया गया, सॉरी राज्यपाल, उपराज्यपाल बना दिया गया जम्मू कश्मीर का, जो आपका UT बना है अभी 5 अगस्त 2019 को, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे उनको उपराज्यपाल बना दिया गया, और वहाँ पे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू का शासन था, उपराज्यपाल थे, वहाँ से हटा के उनको कैग बना दिया गया, और वहाँ पे उपराज्यपाल के तौर पे मनोज सिन्हा को बना दिया गया, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हम लोग ग्रह, मतलब कि आप लोग अगर NTPC का प्रीवियस ईयर पेपर जो सॉल्व कराया जा रहा है, अगर उसको देख रहे होंगे, तो यह क्वेश्चन बिल्कुल फंसा होगा, सारे क्वेश्चन बल्कि उसी में से आए हैं, जो प्रीवियस ईयर का पेपर आप लोग को कराया जा रहा है NTPC का। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो बता देंगे 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। पूरे ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह किसका है, तो बता देंगे मंगल ग्रह का ही है, फोबोस, ठीक है, याद रखेंगे। सबसे बड़ा ग्रह किसका है, उपग्रह किसका, तो बता देंगे गैनीमेड बृहस्पति ग्रह का है। इस समय सबसे ज्यादा फिलहाल में किसके पास उपग्रह है, तो बता देंगे शनि का है,
शुक्र और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, इसको याद रख, शुक्र और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है इसको याद रखेंगे, पहले दो प्लैनेट के पास, ठीक है ना। चलिए, यूएसए ओपन पुरुष एकल 2019 का खिताब किसने जीता है, 2019 का पूछ रहा है, 2020 का भी आ गया है, पूरा प्ले लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं 2020 का, क्योंकि 2019 वाला 2020 में पूछेगा, इसके पहले हुआ नहीं था, अब हुआ है तो आपके लिए एक साल के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो याद रखेंगे यूएस ओपन यानी कि यूएसए कह लीजिए, यूएस ओपन जो आपका ग्रैंड स्लैम है, चार ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएसए, तो उसमें यूएसए ओपन जो चौथा है वह कौन जीता है 2019 वाला, तो बता देंगे राफेल नडाल, ये स्पेन के हैं दोस्तों, इसको याद रखेंगे, ये स्पेन, ये आगे वाले सिर्फ भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। द्रोणाचार्य अवार्ड जो आपका खेल रत्न अवार्ड होता है, खेल रत्न अवार्ड में राजीव गांधी हो गया, उसमें प्रशिक्षु जो राजीव गांधी अवार्ड पाते हैं उनके प्रशिक्षु, उनको शिक्षा देने वाला, मतलब उनके उनके कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो पूछा गया द्रोणाचार्य अवार्ड 2019 कबड्डी के क्षेत्र में किसे दिया गया, तो बता देंगे रामवीर सिंह खोखर, ठीक है दोस्तों, खोखर, रामवीर सिंह खोखर को दिया गया। इसके बाद आ गया गारो खासी जयंती, पूर्वोत्तर पहाड़ियों की श्रेणी की बात कर रहा है, दक्षिण उत्तर नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है दोस्तों। गारो खासी जयंती भारत के किस राज्य में स्थित है, बता देंगे मेघालय में स्थित है, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग बिल्कुल डिटेल से ज्योग्राफिक सेशन में पढ़ रहे हैं, आप लोग आगे पढ़ सकते हैं। तो कहाँ पर स्थित है गारो खासी जयंती, ये तीनों आपके पहाड़ी का नेम है जो कि मेघालय में पढ़ते हैं, और मेघालय की जनजाति का भी नेम यही है गारो खासी जयंतिया, याद रखेंगे। चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया गया, देखिए अभी हाल में लॉन्च हुआ है, एक बार इसको लॉन्च करने से पहले एक बार फेल मार गया था, तो बाद में इसे दोबारा लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 को, ठीक है दोस्तों। इसमें रोवर वगैरह था, इसमें कह लीजिए कि पूरा अच्छे तरह से सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन अभी भी चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है हमारा। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया, तो बता देंगे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1, पूछ सकता है 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। अगर आगे पूछा जाए चंद्रयान 3 की बात चल रही है चर्चा में, वो कब लॉन्च किया जाएगा, तो बता देंगे 2024 में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है ना, 2024 तक लॉन्च करने की बात चल रही है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बता देंगे कुंचिकल जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है, कर्नाटक में गरसोप्पा भी है, याद रखेंगे गरसोप्पा जलप्रपात, ठीक है दोस्तों। तो सबसे बड़ा कर्नाटक का जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए तो आगे चलते हैं, आगे क्या पूछ रहा है छाऊ, देखिए नृत्य वाला क्वेश्चन इसमें दो आया है, मतलब कि हम तीनों शिफ्ट का लिए हुए हैं 13 अक्टूबर 2020 वाला, तीनों शिफ्ट का लिए हुए हैं, 2000 मतलब कि 12 अक्टूबर 2020 वाला आप देखेंगे, इसके एक दिन पहले वाला, उसमें भी दो, मतलब हर शिफ्ट में एक नृत्य से रिलेटेड आ रहा है क्वेश्चन, तो आप लोग नृत्य वाला पूरा पढ़ के जाएंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में है। छाऊ किस राज्य का लोक नृत्य, बता देंगे उड़ीसा का है, कहाँ का है दोस्तों, उड़ीसा का है, इसको याद रखेंगे उड़ीसा का है। इसके बाद अगर पूछा जाता है आईपीएल 2019 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और प्लेयर का खिताब किसने जीता है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का 2019 का, 2020 वाला हो रहा है यूएई में, इसको याद रखेंगे, इसके इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। तो 2019 वाला जो हुआ था आईपीएल दोस्तों, यह मुंबई इंडियन और चेन्नई के बीच फाइनल हुआ था, जिसमें मुंबई इंडियन जीतने के बाद चौथी बार अपना रिकॉर्ड दर्ज कर लेता है, ठीक है दोस्तों, 2008 से स्टार्ट हुआ था आईपीएल, इसको याद रखेंगे। इसके बाद अगर पूछा जाता है वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसको दिया गया, तो बता देंगे आंद्रे रसल, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बता देंगे जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, ढाका उनका अध्यक्षता था, मतलब ढाका में किया गया था यह अध्यक्षता, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, अभी तक का रिकॉर्ड है इनके पास सबसे ज़्यादा टाइम तक पीएम रहने का, ठीक है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा झंडा लाल किले पे फहराने वाले जवाहरलाल नेहरू जी ही हैं, याद रखेंगे, आपके पहले पीएम जो सबसे ज़्यादा झंडा लहराए, इसके बाद इंदिरा गांधी, इसके बाद पीएम जी हमारे जो इस समय फिलहाल में है नरेंद्र मोदी जी। अगर बोला जाए पूर्ण स्वराज की मांग भी इसी समय किया गया था, आपका जो यह था 1929 वाला सेशन, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इसके बाद 1906 में आपका बस स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था, 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ढाका अधिवेशन में, इसको याद रखेंगे। और 1906 में बस स्वराज की मांग का एक तरह से मांग उठा था, इसको याद रखेंगे। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, देखिए यह करंट का क्वेश्चन है, बता देंगे टीकाकरण बच्चों का टीकाकरण जो होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं 9 महीने तक के, टीकाकरण के लिए। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसे कहा जाता है, तो बता देंगे गैलीलियो कहा जाता है दोस्तों, गैलीलियो क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के पिता कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए सती प्रथा का अंत किसने किया, तो बता देंगे लॉर्ड विलियम बैंटिंग,
इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। इनके साथ राजा राम मोहन राय जी के ने मिलकर भारत में भी इसका प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से किया था। याद रखेंगे यह अगर लॉर्ड विलियम का पूछा जाता है कार्यकाल क्या था तो बता देंगे 1828 से 1835 तक, इसको याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। यह पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहते हैं, इसको याद रखेंगे। चलिए, किस शासक ने गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी? यह दक्षिण के शासक हैं, जैसे चोल हो गया, पांड्या हो गया, सब दक्षिण शासक हैं, दक्षिण भारत में शासन करते थे, जो आपका केरल का तट हो गया, केरल तमिलनाडु और आपका कर्नाटक, इस सब जगह इनका शासन रहता था, ठीक है दोस्तों। तो इनके समय लगभग 20 राजाओं ने शासन किया था। तो उनका नाम था राजेंद्र चोल, राजेंद्र चोल प्रथम, जो कि गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण किए थे। क्या नाम था? राजेंद्र चोल, राजेंद्र चोल प्रथम, इसको आप लोग याद रखेंगे, राजेंद्र चोल प्रथम नाम था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि आपका रविंद्रनाथ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, आरबीसी, जो आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी प्रतीक्षा के लिए होता है, रोग प्रतीक्षा के लिए होता है, और आरबीसी शुद्ध खून को संचरण कराने के लिए होता है नसों में, ठीक है दोस्तों। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है, डब्ल्यूबीसी का 3 से 4 दिन होता है, ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए, अगर ऊंचाइयों पर जाते हैं तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, ये याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये पूछा जाता है कि अगर ऊंचाइयों पर जाते हैं तो आरबीसी की संख्या क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी या फिर बराबर रहेगी? तो आप बता देंगे बढ़ जाता है। ट्राई के अध्यक्ष कौन है? ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? बता देंगे पीडी बघेला। कौन इस समय है? ये अभी हाल में ही चेंज हुआ है, पीडी बघेला नाम है इनका। अभी नई नियुक्ति का प्लेलिस्ट में वीडियो आया है, आप लोग देख सकते हैं उसको। चलिए, अगर पूछा जाए ट्राई का स्थापना कब हुआ था, बता देंगे 1997 में, 1997 में इसका स्थापना हुआ था, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली, इसको याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 में दिया गया है, किसको दिया गया है? बता देंगे राणा दास गुप्ता को दिया गया है। किसको दिया गया है? राणा दास गुप्ता को दिया गया है। यह कौन सा अवार्ड है? रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड, साहित्य के लिए दिया जाता है। सारे अवार्ड भी प्लेलिस्ट में है, जैसे कि आपको पता है कि हर सेट में साहित्य से, नृत्य से, मतलब अवार्ड से, नृत्य से, बाकी सब देख ही रहे हैं आप, आपका आपके जितने भी अवार्ड है सबसे एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग पढ़ के जाइए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, सारा अवार्ड पड़ा हुआ है। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा? बता देंगे एमपी, जो मध्य प्रदेश है हमारा, यह है, ठीक है दोस्तों। अगर नॉर्थ ईस्ट में पूछा जाता है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बता देंगे मिजोरम, ठीक है। चलिए, एमपी का कैपिटल भोपाल, आप लोग को पता होगा। चलिए, भारत में लोकसभा चुनाव पहली बार कब हुआ था? तो बता देंगे 1952 में हुआ था, इसी समय पहली बार लोकसभा बैठी थी, और 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव भी हुआ था, इस समय याद रखेंगे। पहले लोकसभा अध्यक्ष आपके कौन थे? तो बता देंगे जीवी मावलंकर, ठीक है दोस्तों। आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी अभी हाल ही में, उसके बाद दूसरा भी बनी थी, ठीक है, याद रखेंगे। दोनों का नाम बताएंगे, पहले और दूसरी लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। चलिए, गुजरात के सीएम कौन है? तो विजय रूपाणी, बता देंगे। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया बहुत ईजी है, विजय रूपाणी, विजय रूपाणी, यह दो सेट में पूछा गया था, विजय रूपाणी, और एक में किसी महाराष्ट्र का शायद पूछा था। ऐसे में अगर पूछा जाता है गुजरात के गवर्नर कौन है, तो बता देंगे आचार्य देवव्रत, ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा, जिसे हम लोग ब्लैक पगोड़ा का नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि उड़ीसा में स्थित, उड़ीसा में ही आपका चिल्का लैक है, जिसको लैगून लैक बोलते हैं, खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून लैक भारत की, वहाँ पे है चिल्का लैक है, इसको याद रखेंगे। चलिए, वहीं पे ओरली विले टर्टल भी पाया जाता है, जो कछुआ है, कछुओं का क्षेत्र बोला जाता है, इसको याद रखेंगे, उड़ीसा के ही तट पर पाया जाता है। अब देखिए, उड़ीसा का जो मंदिर है दोस्तों, कोणार्क मंदिर, यह किस नाम से जाना, किसके, किस भगवान के नाम से जाना जाता है? तो बता देंगे सूर्यदेव को समर्पित है पूरा, सूर्यदेव का मंदिर ही उसे बोला जाता है। अब देखिए, सत्रिया नृत्य, देखिए ये दूसरे शिफ्ट में आया है, सत्रिया नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो बता देंगे असम में, असम में बिहू भी मनाया जाता है, ये सब याद रखेंगे, असम, असम में मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, देखिए पूरा एक्सरसाइज का वीडियो है, लगभग बहुत अच्छी तरीके से वीडियो चली है हमारी, उसको देखेंगे, बहुत सारे बच्चे देखे हैं अपना, और अपना कमेंट भी किए हैं कि सर बहुत अच्छा वीडियो है, तो आप लोग देखेंगे वहाँ पे काफ़ी 40 से 50 60 आपको एक्सरसाइज बताया गया है, आप लोग देखेंगे, प्लेलिस्ट में आएंगे, करंट के करंट खोलेंगे, करंट में देखेंगे सारा टॉपिक वाइज हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज किन के बीच हुआ था? 2019 वाला पूछा है, 2020 में भी हो चुका है, आप लोग देखेंगे 2020, 2019, 2018 तीनों बताया गया है, ठीक है चैनल पे। तो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज 2019 किसके बीच हुआ था? तो बता देंगे भारत और चीन के बीच हुआ था, भारत, जैसे आपको पता है भारत चीन के ही बीच होता है, अब तो भारत चीन के बीच हुआ था। चलिए, रक्त समूह की खोज किसने की थी? 1930 में नोबल मिला था, देखिए घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसका पूछने का बस तरीका अलग है, पूछना चाहता है रक्त समूह का खोज किसने किया था, लेकिन ये घुमा के पूछा है कि रक्त समूह की खोज के लिए 1930 में नोबल किसे मिला, तो बस वही कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए, अभी जीके का कुछ क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं। नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में संबंधित है? आप लोग देखिए ये प्ले लिस्ट में, और पॉलिटी भी देखिए, भाग 4 में स्थित है, भाग 4, तो सारा भाग पढ़ के जाएंगे आप,
भाग और अनुसूची सब पढ़ के जाएंगे अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है बच्चों, कि आप लोग गलत करके आ जाते हो, तो गलत नहीं करना है। तो बता देंगे नीति निषेधता तो भाग चार में है। किसे ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के द्वारा 2019 में भारत गौरव अवार्ड दिया गया, तो बता देंगे कपिल देव, जो हरियाणा के हैं, कपिल देव के ही कैप्टन पारी में हम लोग सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे, इसको याद रखेंगे, कपिल देव। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाता है किसे ईस्ट बंगाल, अच्छा ये तो हो गया। पूर्वी भारत की सीमा किन पड़ोसी देशों से साथ मिलती थी, कि पूर्वी भारत की सीमा पूछा है, तो बांग्लादेश है जो बीच में पड़ जाता है, जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है भारत से, सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला भारत से कौन सा देश है, बताएंगे बांग्लादेश, लगभग 4096 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद आ जाता है चीन, इसके बाद पाकिस्तान, इसके बाद म्यांमार, इसके बाद आपका नेपाल, नेपाल के बाद म्यांमार के बाद आपका भूटान, भूटान के बाद आ जाता है अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, तो बांग्लादेश और म्यांमार भारत के नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर शेयर करता है, देश ऐसे हैं। अब देख लीजिए, चलिए ये तो रहा जीके का क्वेश्चन, हम लोग आ जाते हैं अब थोड़ा सा रीजनिंग करते हैं, फिर उसके बाद मैथ पे आते हैं, क्योंकि मैथ का कैलकुलेटिव है थोड़ा सा क्वेश्चन, तो कैलकुलेशन के कारण से हम लोग लास्ट में लेते हैं, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। देखिए ये सब मैथ का ही है, चलिए हम लोग रीजनिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। रीजनिंग कहाँ गया भैया, हाँ चलिए रीजनिंग में देखिए, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है दोस्तों कि ए के पास ई से ज़्यादा लेकिन बी से कम पैसे हैं। देखिए ध्यान सुनेंगे, ए के पास, देखिए इसका फिगर बना रहे हैं, ए के पास ई से ज़्यादा लेकिन बी से कम, जो ए के पास है ए से ज़्यादा, सॉरी ए के पास ई से ज़्यादा लेकिन बी से कम, बी से कम का मतलब बी आगे आ जाएगा, बी से कम पैसे हैं, ए के पास ई से ज़्यादा लेकिन बी से कम पैसे हैं, ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप बोला है सी के पास डी से ज़्यादा, सी के पास डी से ज़्यादा लेकिन ई से कम है, ई से कम पैसे हैं, तो बताइए सबसे कम पैसा किसके पास है, या फिर सबसे अमीर कौन है, सबसे धनी कौन है, ये पूछ लेगा। तो देखिए ई से कम यह हुआ तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं सी और डी। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा पूछेगा तो बी लगा देंगे, सबसे कम पूछेगा तो डी लगा देंगे। ठीक है ना, चलिए यह रहा पहला आपका रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रीजनिंग में क्या पूछा है, यह सीरीज से पूछा हुआ है दोस्तों, 7, 8, 10 क्वेश्चन मार्क और 17 दे दिया, बताइए यहाँ पर क्या आएगा। देखिए 7 से कितना ज़्यादा है प्लस 1, 8 से प्लस 2, 10 से प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ से जो आएगा मान लीजिए 10 × 3 = 13 आ गया, 13 ही आंसर आपका है, 13 + 4 देखिए 17 आ गया ना, तो इसी तरह आप लगा देंगे +1 + 2 + 3 + 4, मतलब यहाँ आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए था 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए यह दो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है दोनों, 29-48 ये आपका 29-481 ये एनोलॉजी से क्वेश्चन है, एनोलॉजी वाला आप लोग पढ़े होंगे, 57 मैम पढ़ा रही हैं, इससे एनोलॉजी पढ़ा दी है पूरा, आप लोग देखें उसे, प्रियंका मैम पढ़ा रही हैं एनोलॉजी पूरा पढ़ा दी है, इसमें आपका सेटिंग अरेंजमेंट भी खत्म हो चुका है, इसके बाद डाइस शुरू होगा। अब देखिए 29-48 का मतलब देखिए 2 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81 देखिए यही आ गया है यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे करेंगे 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 25 49 इसका आंसर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे, यह भी क्वेश्चन अच्छा है, 8-81 क्या दोस्तों, 8-81 एनोलॉजी का है, 4-5 क्वेश्चन एनोलॉजी का आया था, मतलब कि अलग अलग शिफ्ट में आया था, एक ही पेपर में नहीं आया था, 12 और यहाँ पे 12 है और आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ बताइए क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे, देखिए 8 है, 8 में प्लस 1 करेंगे क्या होगा, 8 में प्लस 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर 81 इसी तरह 12 में 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा 13, 13 का स्क्वायर 169 इसका आंसर हो जाएगा। बस इसी तरह दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन दिया था आपका 11-144 दिया था, बिल्कुल सेम है पैटर्न, बिल्कुल सेम था, और यहाँ पे दे दिया था आपका 12, देखिए वही सारा क्वेश्चन है बस आगे वाला बदल दिया है, अब बताना था यहाँ पे क्या आएगा, तो 11 में प्लस 1 करेंगे 12 का स्क्वायर 144 इसी तरह 12 + 1 करेंगे 13 का स्क्वायर 169 इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का, अब देखिए यह भी एनोलॉजी से, वजन का संबंध अगर किलोग्राम से दिया है, किलोग्राम तो बताइए प्रतिरोध आप पढ़े होंगे जिसे रेजिस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, जो होगा वही आ जाएगा यहाँ पे ओम। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ओम आपका, वजन का किलोग्राम तो प्रतिरोध का ओम। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं यहाँ से, चलिए क्या पूछा गया है, अब देखिए यह भी सीरीज से है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, 4-6 4
6, 9, 14, 21 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ बताना है। अब देखिए चार से प्लस दो ज्यादा है, 6 से +3 ज्यादा है, 9 से +4 ज्यादा है, प्लस चार है नहीं +5 है, +5 आ रहा है, देखिए तो +5 आ रहा है, और 14 से कितना ज्यादा है +7 ज्यादा है। अब देखिए आपको कुछ समझ में आ रहा है, 2, 3, 5, 7 नहीं कोई सम नहीं विषम, तो क्या है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, ठीक है प्राइम नंबर। अब अगला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा +11, तो 11 + 21 कितना हो गया 1, 2, 2, 1, 3 यानी कि 32 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आया था। देखिए ये भी अच्छा था, अगर आप लोग कैपिटल करेंसी ये सब याद नहीं रखते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एनालॉगी क्वेश्चन है इसी तरह पूछता है आता है, जो इसी तरह बिल्कुल सेम आता है। जैसे नागालैंड देखिए यह क्वेश्चन दिया है, नागालैंड का संबंध अगर कोहिमा से है तो आप बताएंगे कि असम का संबंध किससे है, असम का संबंध किससे होगा, तो बस दिसपुर से हो जाएगा, दिसपुर इसका कैपिटल, दिसपुर इसका आंसर हो जाएगा। ये सब एनालॉगी में क्वेश्चन आते हैं, आप लोग को चैनल पे एनालॉगी खत्म कर दिया गया, आप लोग अगर बेसिक से भी पढ़ सकते हैं जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में। अब देखिए ये क्वेश्चन आया है जी एच का संबंध अगर 7-8 से है, मतलब 78 से है, तो आप बताएंगे यहाँ पे क्या आएगा जिसका संबंध 18-19 से है। आपको पता होगा जी का अगर ए बी सी डी काउंट करते हैं तो जी का नंबर 7 नंबर पे आता है और एच का 8 नंबर पे आता है, इसी तरह 18 नंबर पे आपका आ जाता है P Q R S 19 नंबर पर S आ जाता है, तो इस तरह इसको याद कर लेंगे हम लोग। ठीक है इसका आंसर क्या हो जाएगा, R और S हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है कोडिंग डिकोडिंग से, G O U R D को अगर हम लिख सकते हैं IQSTF तो बताएंगे कि APHID को क्या लिखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, देखिए इसमें प्लस दो हो रहा है, ए बी सी डी एफ जी एच आई प्लस दो के आई आ गया, इस तरह प्लस दो ओ पी क्यू प्लस दो हुआ तो क्यों आ गया, इस तरह आप देखिए यहाँ पे माइनस दो हो रहा है, आगे वाले में दोनों में प्लस दो और पीछे वाले में भी प्लस दो हो रहा है, लेकिन बीच में क्या हो रहा है माइनस दो हो रहा है। देखिए एस टी यू यस के बाद दो के बाद यू आ रहा है, मतलब माइनस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, बाकी सब में आर एस टी ए बी सी डी ई एफ प्लस हो रहा है। इसी तरह इसमें करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, आप प्लस दो करेंगे ए बी सी तो सी आ गया प्लस दो, इसके बाद PQR प्लस दो करेंगे तो यहाँ पे R आ जाएगा, इसके बाद A दो माइनस जाएंगे तो F A B C D E F G H यहाँ पे F आ जाएगा, माइनस दो करेंगे, इसी तरह प्लस दो I में करेंगे तो I A B C D E F G H I J K K आ जाएगा आपका, ठीक है ना, प्लस दो करेंगे, इसी तरह प्लस दो D में करेंगे तो A B C D E F F आ जाएगा। ठीक है दोस्तों यह इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। चले यह क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि बहुत ईजी हैं, आप लोग तुरंत फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब देखिए आप पासा से क्वेश्चन आया था, पासा बनाते हैं, पहले पासा बन जाए अच्छे से तब ना, चलिए पासा बनाते हैं हम, देखिए आप लोग ठीक है ना, सही बना होगा पासा, चलिए ऐसे पासा बन गया। अब इसमें दिया है 2, 6, 5 और यहां पे दिया है 5, 1, 4। अब इसमें बोला है कि आप बताइए जो 6 का अगर 6 ऊपर हो, 6 सतह पे हो दिख रहा हो तो 6 के विपरीत क्या आएगा, 6 अगर सतह पे हो तो 6 का विपरीत क्या आएगा, 6 का विपरीत बताना है हमें, विपरीत बताना है। अब आप लोग को मैम पढ़ाएंगी बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ प्रोसेस होता है, जैसे 5, 5 इसमें सेम है 5, 5 तो यहाँ पे पहले 5 लिख लेंगे फिर इसके बाद क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे, तो 5 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 2 आ गया, यहाँ पे एक लाइन लिख लिए, फिर इसके बाद यहाँ से भी क्लॉकवाइज चलेंगे, जो सेम रहेगा उसको क्लॉकवाइज ले लेंगे, 5 है तो 5 के नीचे 5, 5 के बाद 4, 6 के नीचे 4 हो गया और 2 के नीचे 1 हो जाएगा, तो 6 का विपरीत 4 हो जाएगा, ठीक है ना, इसका आंसर 4 आ जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा अब देखिए ये अभी पासा से ही कहेंगे इसको, ठीक है ना, यह भी तोड़ने जोड़ने वाला पासा सही आ जाता है आपका, इसको ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, बच्चे गलत करके आ जाते हैं लेकिन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं सब। चलिए देखिए ये बोल रहा है दोस्तों कि आपका यहाँ पे 6 है, 2 है और 4 है, यहाँ पे 5 है, 3 है और 1 है, तो ये पूछ रहा है 2 के विपरीत क्या होगा बताना है आपको। देखिए 6 के विपरीत 4 हो गया, 5 के विपरीत 1 हो गया, बचा क्या 2 के विपरीत 3, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल वाला है, काफ़ी अच्छा ट्रायंगल था, यहाँ पे देखने के बाद बच्चे आज तो छोड़ दिए होंगे इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें कैसे दिया है, यहाँ से एक बीच से बिल्कुल मिडल से लाइन खींच दिया, एक यहाँ पे बना दिया है, एक ऐसे बना दिया है,
एक ऐसे और एक सिंपल सा ऐसे बना दिया। अब देखेंगे अगर हम केवल छोटा वाले को लें, ऊपर वाले को, तो यहाँ से एक दो दो एक तीन, तीन ट्रायंगल यहाँ से मिलेंगे, फिर एक दो तीन, तीन ट्रायंगल इससे मिलेंगे, और इस लाइन से भी थ्री ट्रायंगल मिलेंगे, और एक बड़ा वाला यह देख रहे हैं इससे भी थ्री ट्रायंगल हमको मिलेंगे थ्री, और लेकिन यह वाला देख रहे हैं एक सिर्फ इससे एक ट्रायंगल हमको मिलेगा केवल एक। तो बस सबको ऐड कर दिए, तीन प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन, तीन जो बारह एक तेरह, कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, तेरह ट्रायंगल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखिए ये आपका था डायग्राम से था, दिया था महिला, महिला माता और नर्स। अगर हम यहाँ पे नर्स को केवल फीमेल माने, अगर नर्स को केवल फीमेल माने तो इसका आंसर होगा, देखिए ऐसे ये माता हो गया और यह नर्स हो गया, माता और नर्स। अगर हम नर्स को केवल फीमेल माने तो, और यहाँ पे महिला हो जाएगा, ये दोनों महिला में आ जाएंगे। लेकिन अगर नर्स तो हमारे नर्स एक टाइटल है ना, एक स्टेटस है, नर्स आदमी भी हो सकते हैं। अगर आदमी है नर्स तो उनको कैसे बना देंगे, देखिए ऐसे ये माता हो गई और यहाँ पे महिला, महिला ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ऐसे बन जाएगा यह चीज़ बाहर की तरफ, क्योंकि आधे आदमी भी तो हो सकते हैं, यह नर्स कहा गया सिंबल। तो इस तरह इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकता है ये क्वेश्चन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो यह भी सीरीज से है, देखिए 125 यह पूछा गया था बस, एनोलॉजी का क्वेश्चन इसको भी ले लेते हैं, 529 169 और 144। इसे पूछा है कौन सा डिफरेंट है, कौन डिफरेंस है। देखिए 529 किसका स्क्वायर है, 23 का, 169 13 का स्क्वायर है, 14 12 का स्क्वायर है, लेकिन यह किसी का स्क्वायर है नहीं, 5 का क्यों है, 5 बजे 25 बचे 125, तो मतलब ये आपका डिफरेंट हो गया, 125 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखिए यह सीरीज से है, 118 129 141 154 इसके बाद 168 ठीक है ना, यहाँ पे पूछेगा क्या आएगा। अब देखेंगे ध्यान से आप, इसमें देखिए 11 ऐड हो रहा है, इसमें 12 ऐड हो रहा है, इसमें 13 ऐड होगा, इसमें 14 ऐड होगा, इसमें 15 ऐड कर दीजिए, 15 ऐड कर देंगे तो 168 प्लस 15 यानी कि 5 5 10 5 5 10 3 13 3 8 मैं 1 6 7 1 8 1 183 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें दिया था कौन सा अलग है, चार ऑप्शन दिया था, पूछा था इसमें से कौन सा अलग है, जैसे ए ऑप्शन में दिया है आपका 15 और 12, बी ऑप्शन में दिया है आपका 30 और 18, इसके बाद सी ऑप्शन में दिया है आपका 45 और 27, इसके बाद डी ऑप्शन में दिया है आपका 20 और 10 ठीक है ना। इसे पूछा है कौन सा अलग है, अब देखिए यह भी तीन से कट रहा है, यह भी तीन से कट रहा है, यह भी तीन से, यह भी तीन से, यह भी तीन से, यह भी तीन से, लेकिन इसमें कोई तीन से नहीं कट रहा है, मतलब कि आपका आंसर डी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग रीजनिंग का भी क्वेश्चन खत्म कर लिए, जितना हमारे पास था क्वेश्चन हमने उतना कर लिया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा मैथ के क्वेश्चन की तरफ, आप लोग ध्यान से देखेंगे मैथ का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी आया है, बस कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन के कारण थोड़ा सा हार्ड हो जाता है मैथ, नहीं तो फिर इजी है, बिल्कुल इजी है, जो लल्लू पंचू वाला क्वेश्चन होता है बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे देखिए एमपी मतलब मार्क प्राइस आपका दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन में मार्क प्राइस दिया हुआ है दोस्तों 3600, इसके बाद सीपी मतलब कि आपका कास्ट प्राइस दिया हुआ है 2800 ठीक है ना, इसके बाद डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट डिस्काउंट जो दिया है हमारा 16% दिया है। अब पूछ रहे हैं हमसे बेनिफिट बताइए, मतलब कि लाभ बताइए, लाभ लाभ बताइए क्या होगा, लाभ बताइए क्या होगा, मतलब कि लाभ नहीं दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज पूछा हुआ है क्वेश्चन में, जो पूछा है प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज, हाँ प्रॉफिट परसेंटेज पूछा हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज बता दीजिए। अब देखिए एमपी दिया है 3600, सीपी दिया है 2800, तो हमें पहले एसपी पता होना चाहिए, एसपी पता करने के लिए डिस्काउंट निकाल देते हैं 3600 का, 3600 का जब डिस्काउंट करते हैं 16% निकालते हैं तो 3600 का 16% कितना आ जाता है, 576 आ जाएगा। देखिए 00 से गया 10 यानी कि 6 4 36 6 यानी कि 7 और 5 16 48 ठीक है 576 आ गया। आप देखिए 3600 में से अगर हम लोग 576 माइनस कर देंगे, 576 माइनस कर देंगे 3600 में से 576 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3024 आ जाएगा दोस्तों। देखिए 6 10 माइनस 6 4 और यहाँ पर हो गया आपका 9 माइनस 7 2 ठीक है, यहाँ पर चार कितना हो गया आपका 30 ठीक है, यानी कितना आ गया आपका यह चीज़, यह क्या है आपका, अगर पूछा जाए तो यह आपका एसपी हो गया, मतलब कि एसपी कितना आ गया हमारा 3024, यह एसपी हो गया और यह सीपी हो गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकल सकता है, देखिए 3024 में से 2800 माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं प्रॉफिट। अगर देखिए यहाँ पे 3024 माइनस 2800 करते हैं तो 4 2 10 में आठ गया 2 तो कितना आ गया 224, या 224 आपका प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट 224 आ गया। अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज की बात किया है तो प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या आ जाएगा आपका, प्रॉफिट परसेंटेज को लो प्रॉफिट बटे सीपी कास्ट प्राइस बोले सौ। अब देखिए प्रॉफिट कितना आया हमारा 224 है, थोड़ा सा देखिएगा इरेज करते हैं ऊपर का, 224 बटे 2800 बुढ़े सौ, अब 00 से गया 2800 इसको काट दीजिए 28 से सीधे सीधे 8 बार में कट रहा है, देखिए 8 64 को 4 8 2 16 4 8 64 ठीक है 4 8 है 16 8 16 22 यानी कि 8% कितना आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज,
8% आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा हमें, बस और कुछ नहीं, और बाकी रुकना नहीं है, एक जगह भी रुकना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सारा इजी आया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 35, यह क्वेश्चन अच्छा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 35 क्रमिक संख्या का औसत n है, 35 क्रमिक संख्या का औसत जो दिया है n दिया है, कैपिटल n दिया है। पहली 10 संख्या अगर छोड़ दें, ध्यान सुन लेंगे पहले, पहली 10 संख्या अगर छोड़ दिया जाए तो अगली 10 संख्या ले लिया जाए, पहली 10 संख्या छोड़ दिया जाए, मतलब कि 35 में अगर पहली 10 संख्या छोड़ दिया जाता है, पहली 10 संख्या जो आगे आने वाला है, तो बचता है 25 संख्या, 25 संख्या का औसत बता रहा है कितना है, एन है, यह चीज बता रहा है। अगर हम लोग बाद वाला ले लेते हैं 10 संख्या, पहली छोड़कर बाद वाला अगर 10 संख्या ले लेते हैं, तो जो हमारा औसत है वो एम हो जाता है। एम का मतलब यहाँ पे एन था, तो आगे वाला लेंगे तो एन प्लस 10 ही तो होगा, एन प्लस 10 हो गया, औसत एन प्लस 10 हो गया। इसके बाद दिया है क्वेश्चन में औसत एम हो जाता है, एम का मतलब एन प्लस 10 हो गया। देखिए यहाँ पे 10 छोड़ रहे हैं तो 10 आगे भी ले रहे हैं, तो एन प्लस 10 10 बढ़ जाएगा, औसत में इसी तरह होता है। इसके बाद अब एक क्वेश्चन, एक चीज और दिया है उसमें कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 600। तो बताइए आप, जो हमारा 5n और 3m का औसत क्या होगा, 5n और 3m का औसत क्या होगा। ध्यान से पहले क्वेश्चन को सुनेंगे, 35 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, अगर 10 छोड़ देते हैं पीछे से तब, अगर 10 आगे वाला ले लेते हैं तो औसत क्या हो जाता है, m हो जाता है, m का मतलब n प्लस 10, हम यहाँ से निकाल लिए n प्लस 10 आ गया। अब देखेंगे n प्लस 10 और एक चीज और दिया हुआ है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 600। तो आप बताएंगे 5n प्लस 3m का औसत क्या होगा, 5n प्लस 3m का औसत क्या होगा, यह पूछा है। अब देखिए m स्क्वायर n स्क्वायर, बताइए दो जीरो किस में आते हैं, जब यहाँ पे 25 का स्क्वायर हो माइनस आपका 15 का स्क्वायर हो, तभी दो जीरो आएगा। देखिए 25 का स्क्वायर 625, 15 का स्क्वायर 225, 5 5 0 2 2 4 यानी कि 400 आ रहा है, मतलब 200 नहीं है, 600 नहीं आ रहा है। इसके बाद अगर हम यहाँ 35 रख दें, 35 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, तो देखेंगे 35 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 35 का स्क्वायर हो जाता है दोस्तों 3 × 4 = 12, 12 × 25, 12 × 25, 25 का स्क्वायर 625, देखिए आ गया 600। यानी कि m का नंबर, m बराबर हो गया हमारा 35 और n बराबर हो गया हमारा 25, m बराबर 25 और n बराबर, सॉरी m बराबर 35 और n बराबर 25। अब यहाँ पे रख देंगे, देखिए 5n का मतलब 5 × 35, n का वैल्यू है ना, n का 25 आया है, यहाँ 25 रखेंगे, 5 × 25, 25 × 25, 125, 125, 125 आ गया। इसी तरह हम लोग रखेंगे 3n, 3 × n का वैल्यू 35, तो 3 × 15 = 5, कैरी 1 × 9 = 10, 105। अब इन दोनों का औसत निकाल दीजिए, 125 प्लस 105 बटे 2। अब देखिए 125 प्लस 105 करेंगे तो 230 बटे 2, तो कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 115 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एग्जाम निकालना है। तो चलिए अभी तो NTPC भी आने वाला है, आप लोग देखते रहिए, उसमें भी कैलकुलेशन ही होगा, सारा क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, आप लोग देखें अगर नहीं देख रहे। तो अब देखिए यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया है, 10 tan 2θ + 45, यह हर सेशन में, मतलब हर शिफ्ट में आ रहा है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, तो जो लोग का, जिस लोग का आगे है शिफ्ट उसको देख कर जाएंगे। अब इसमें थीटा की वैल्यू पूछा है, बताइए थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए आप 10 2θ + 45 = cot 3θ - 15, तो थीटा की वैल्यू बता दीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको याद रहना चाहिए, जब भी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा पूछे, टेन थीटा बराबर कॉट थीटा पूछे, सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा पूछे, तब थीटा प्लस थीटा, अगर यहाँ थीटा वन थीटा टू है तो थीटा वन प्लस थीटा टू बराबर हमेशा होता है 90 डिग्री, इसको याद रखेंगे। बस वही चीज़ यहाँ पे कर देंगे हम लोग, 2θ + 45 + 3θ - 15 = 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 3θ, 2θ, 5θ हो गया, 45 - 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा बराबर 90। अब यहाँ से 5θ बराबर अगर हम लोग निकालते हैं तो आ जाता है 60। अब थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 12 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थीटा की वैल्यू पूछा था, थीटा की वैल्यू हमने निकाल लिया, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी बताते चल रहे हैं आप लोग को, आप लोग समझते चलेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन आया था, काफ़ी कैलकुलेटिव था, इसको मानते हैं काफ़ी कैलकुलेटिव, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन था इसमें, आधे बच्चे तो छोड़ दिए होंगे, लेकिन छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं था, देखने से तो ईजी लग रहा है। प्लस देखिए ये स्क्वायर में है, 9 + 4√5 2 − 9 − 4√3 2। अब देखिए यहाँ पे 4√3 यहाँ पे 4√5 है, अब आपको पता होगा a + b² वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ पर लगाएंगे a + b² वाला, तो कहते हैं कितना आ जाएगा, 9 × 9 = 81, 81 + 4 यानी कि 4 × 16 = 16, 16 × 5 = 80, कितना आ गया 80 आ गया। प्लस कितना आ जाएगा, देखिए
2×9×4√5, एक तो ये आ गया प्लस 1/5 में इसको करेंगे तो बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। 81+80 यहाँ पे क्या है दोस्तों, हाँ यहाँ पे 5 ही है दोस्तों, दोनों जगह 5 है, इसको याद रखेंगे, दोनों जगह 5 है आपका, है ना, दोनों जगह 5 ही है। जब 5 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का यही चीज़, इसका मल्टीप्लाई करिए, 2×18 = 72 ठीक है ना। अब देखिए 72√5 आ गया, यह चीज़ इतना आ गया, इसको जब ऐड कर लेंगे तो 1/5 में 161 आएगा, 8×16 = 161 प्लस 72√5 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/161 माइनस 72√5 ठीक है ना। अब देखिए इसका हम लोग परिमेयीकरण करेंगे, क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे इसका। जब रेशनलाइज करेंगे दोस्तों तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, देखिएगा आप लोग जब इसका रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 161 माइनस 72 मतलब इसका 72√5 प्लस इसका कितना हो जाएगा, इसका देखेंगे तो हो जाएगा 161 प्लस हो जाएगा, रेशनलाइज करेंगे तो 72√5। अब क्योंकि देखिए इसका रेशनलाइज करेंगे, 161 का स्क्वायर करेंगे माइनस 72√5 का स्क्वायर करेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा ना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मला लग जाएगा नीचे, तो आ जाएगा 1, यह भी 1 आ जाएगा, तो इसके नीचे 1 लिखें या ना लिखें बात सेम है। अब देखिए इसमें 72√5 खत्म हो गया, कितना हो गया, 161 प्लस 161 को ऐड कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, 1 1 2 6 6 12 2 हाथ में 1 1 2 1 3 322 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन इजी ही है, इजी मानिए इसको, क्योंकि आपका CISI से है, काफ़ी इजी क्वेश्चन आता है CISI से, हम लोग का ब्रिज मेथड हो गया, रेशियो मेथड हो गया, इस सबसे लगाते हैं ब्रिज को CISI को। चलिए अब पूछा है, देखिए 5000 रुपये का CI ज्ञात करें अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर के लिए ब्याज पहले साल के लिए ब्याज, दूसरे साल के लिए ब्याज, तीसरे साल के लिए ब्याज, यह चीज दिया हुआ है। पहले साल के लिए जो ब्याज दिया है दोस्तों वह 4% दिया है, दूसरे साल के लिए ब्याज जो दिया है वह 3% दिया है, और तीसरे साल के लिए ब्याज दिया है 2% दिया है। अब आपको जो आपका CI ज्ञात करना है वो 5000 का CI ज्ञात करना है, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको पता होगा यहाँ पे देखिए 5000 ब्रिज मेथड लगाते हैं हम लोग, 5000। अब देखिए 4% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/100, या फिर रहने दीजिए इसको इसी तरह लिख देते हैं, यहाँ देखिए 4%, यहाँ पे 4% लिख दिए, और यहाँ पे हम लोग 3% लिख दिए दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए 2% लिख दिए। अब देखिए 4% जब इसका निकालेंगे तो आएगा 1/25 मतलब 25 × 50 यानी कि 200 ठीक है ना। अब इसको लिखेंगे 3/100, 3/100 का मतलब 0 0 से गया, 3 × 15 150 आ गया ठीक है, ध्यान से देखेंगे ब्रिज मेथड। अब इसका 2 मतलब 1/50, 50 से 50 गया मतलब 100 ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2% के हिसाब से आएगा, और यहाँ पे जो आएगा वो 3% के हिसाब से आएगा। जब यहाँ पे 3% के हिसाब से आएगा, 3 × 6 यहाँ पे 6 आ गया, इसी तरह जब यहाँ पे 2% के हिसाब से आएगा तो 2 × 4 आ गया यहाँ पे। अब इसी तरह यह भी देगा हमको 2% के हिसाब से, इसको 2% के हिसाब से जब इसको देगा तो 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 × 3 = 15 देखिए तो 150 × 2/100 तो देखिए 0 0 से गया, 5 × 3 = 15 × 5 × 10 यानी 3 × 6 यहाँ पे 6 आ जाएगा, देखिए तो सही है, 5 × 3 = 15 × 5 × 10 2 से भी कटेगा ना, यानी कि 3 आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, 3 आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 3 आ गया, अब यह वाला जो देगा यह वाला भी देगा 2% के हिसाब से देगा, जब 2% के हिसाब से देगा तो 2% 6 का 2% कितना आ जाता है तो बता देंगे 0.12 ठीक है। अब सबको जोड़ देंगे, देखिए सीधा साधा जोड़ रहे हैं 200 + 150 + 100 क्योंकि सिंपल हमको CI पूछा है, अगर CISI का डिफरेंस पूछा होता तो यह वाला ऊपर का छोड़ देते, बस इसको जोड़ देते, 3 + 4 + 2 = 4 मतलब 3 + 4 + 6 और एक कहीं है नहीं, 3 + 4 यानी कि 4 × 3 = 7 7 × 3 = 10 3 × 13 13.12 ये CISI का डिफरेंस आ गया। लेकिन अगर हमको CI पूछा हुआ है तो 200 + 150 + 100 तो 100 100 200 200 400 450 एक तो सीधा साधा 450 बन रहा है और यहाँ से 13.12 बन रहा है, बस इसको ऐड कर देंगे 463.12 आपका आंसर हो जाएगा ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर का हो गया क्या, हाँ यह हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ गए हम लोग, ध्यान से देखेंगे काफ़ी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। 1 cos θ − sin²θ / sin θ 1 cos θ, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे sin²θ बराबर क्या हो जाता है, 1 cos θ − 1 − cos²θ यह होता है, बटे यहाँ पे sin θ 1 cos θ इस तरह बस दिया था, इसका सोल्यूशन पूछ लिया था आपसे, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1 cos θ यहाँ से a² − b² यहाँ पे 1 − cos θ 1 cos θ आएगा, तो 1 cos θ कॉमन कर लेंगे दोनों में से, तो आ जाएगा 1 देखिए यहाँ से 1 cos θ जब कॉमन करते हैं तो क्या आता है, 1 यहाँ पे बचता है माइनस
वन माइनस के बाद प्लस प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे यह बच जाएगा एक ब्रैकेट में, ऊपर से वन प्लस कॉस थीटा कॉमन कर रहे हैं, यहाँ पे भी वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा, तो वन प्लस कॉस थीटा कॉमन कर लिए तो यहाँ बचा वन और यहाँ बचेगा वन माइनस कॉस थीटा, तो माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे है साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा कॉस थीटा से गया बचा क्या, वन वन से गया बचा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका आंसर क्या आ जाएगा कॉट थीटा, ये आपका आंसर हो जाएगा कॉट थीटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी अभी आपका जीपी से है, कह लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री से ही है लेकिन जीपी में बदल दिया है। देखिए दिया है तीन पद, कॉस थीटा साइन थीटा कॉट थीटा, ये तीन पद दिया है आर इन जीपी, बोल दिया है कि यह जीपी में है, आर इन जीपी गुणोत्तर श्रेणी, श्रेणी क्रम आप पढ़े होंगे जीपी में, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है। तो फाइंड करना है हमको, क्या फाइंड करना है, 10 के पावर 6 थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब आप लोग को एक चीज़ पता होगा दोस्तों, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है, पहले यहाँ देख लीजिए। अब आपको पता होगा जब एपी जीपी मतलब एपी आता है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जीपी मतलब जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है, तो इसमें जो बीच वाला होता है, बीच वाले का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है बस हो गया, साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए। अब इधर कर लीजिए कॉट थीटा, कॉट थीटा का मतलब क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब ये साइन थीटा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर दोनों तरफ हम लोग कॉस क्यूब थीटा से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करा दें कॉस क्यूब थीटा से, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा टेन क्यूब थीटा, यहाँ पर कितना हो जाएगा टेन क्यूब थीटा और बराबर कॉस कॉस से चला गया तो आ जाएगा सेक थीटा, दो गया तो बचा सेक, मतलब कि टेन क्यूब थीटा बराबर सेक थीटा आ गया। अब देखिए टेन क्यूब थीटा बराबर सेक थीटा है तो यहाँ पर टेन सिक्स थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे, इसको नहीं चेंज करेंगे हम लोग, इसको चेंज करेंगे यहाँ पर टेन सिक्स थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी टेन सिक्स थीटा, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं टेन सिक्स थीटा की वैल्यू आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए टेन सिक्स थीटा के प्लेस पर सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर रख देंगे हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग को यह पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कोसेक स्क्वायर, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो सर्वसमिका में तो दूसरा सर्वसमिका आएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा वन, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग ध्यान से, थोड़ा सा स्पीड चलते हैं दोस्तों टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा जा रहा है ना। अब देखिए इसमें सर्कल से आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी मानते हैं हम लोग, देखिए सर्कल दिया था, अब इसमें एक जीवा है, ये जीवा है, जीवा से इसके एक सर्कमफ्रेंस पर एक एंगल बना दिया है जो कि कितने का है 135 डिग्री का है, ठीक है ना। और यहाँ से एक सेंटर, इसका अगर सेंटर यह है तो यहाँ से एक लाइन खींच दिया था रेडियस, इसकी वैल्यू दे दिया था हमको टू रूट टू, ठीक है ना। अब देखिए टू रूट टू दिया हुआ है, ये 135 है, अब यहाँ इसका मान ले लेते हैं ए बी सी, ऐसे दिया था क्वेश्चन में। अब आपसे पूछा था दोस्तों कि देखिए ओ बी दिया हुआ है और ए सी बी, सी का सी दिया हुआ है, आपसे क्या पूछा ए बी, ए बी की लंबाई बताइए, ए बी बराबर बताइए आप कितना हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग इसको मिला देते हैं ऐसे तो यह भी रेडियस, यह भी रेडियस, यह टू रूट टू हो जाएगा। जब यह टू रूट टू हुआ तो हम लोग एक और काम करते हैं, ऐसे मिलाकर एक ऐसे मिला देते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग डी मान लेते हैं तो देखिए ए डी बी यह क्या है, यह आपका सर्कमफ्रेंस पर बना हुआ एंगल है, सर्कमफ्रेंस पर बना हुआ एंगल जो होता है दोस्तों वह जो यहाँ पर बनता है उसका आधा होता है सेंटर पर बने हुए का। अब ध्यान से देखेंगे ए सी बी डी यह कैसा है, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल आप याद रखेंगे इसको, क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जो आमने सामने की भुजा होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वो 180 डिग्री होता है, जब ये 135 है तो ये 45 हो जाएगा, 180 हो गया, जब ये 45 है तो ये 90 होगा। अब आपका समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज दो रूट टू दो रूट टू, आपको पता होगा जब इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग तो क्या कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो कितना आ जाता है टू रूट टू इंटू रूट टू, यानी कि रूट टू रूट टू चार, मतलब दो दो गुणे दो बराबर चार, यानी कि इसका ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी चार आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अच्छा ये पेज भी खत्म, अच्छा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए तो एक्स के पावर फोर प्लस वन अपान एक्स के पावर फोर बराबर 257 बटे के 16, तो हमको बटे 16 है तो फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना है दोस्तों, यहाँ पर फाइंड करने के लिए दिया एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब की वैल्यू। अब ध्यान से देखेंगे, अब देखिए एक्स के पावर फोर प्लस वन अपान एक्स के पावर फोर है तो हम लोग निकालते हैं एक्स प्लस वन अपान एक्स, पहले एक्स प्लस वन अपान एक्स निकालने के लिए हमको चाहिए क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, पहले तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा रूट में, रूट में 257 बटे के 16 प्लस वन सॉरी प्लस टू।
अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 17/4। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 16 दोनों 32 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 17 का स्क्वायर आ जाता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है 279 होता है, 279 आ जाएगा, 279 17 का स्क्वायर है बटे नीचे 16 मतलब 4 का स्क्वायर है तो 4 आ गया। ये आ गया x² + 1/x² की वैल्यू। अब हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं x + 1/x की वैल्यू, बस इसको उठा के अब रखेंगे कितना हो जाता है 17/4 + 2। देखिए इसको सॉल्व करेंगे 4 × 2 = 8 और 8 और 17 8 8 8 8 2 16 8 3 24 24 से 25 कितना आ जाएगा 25 8 8 8 2 64 ठीक है 25 यानी कि 25/4 कितना आ जाएगा 5/2। अब आ गया x + 1/x की वैल्यू 5/2, तब इसका आप फार्मूला जानते होंगे k³ - 3k, बस रख दीजिए k का मतलब क्या है 5/2 रखेंगे 5/2 का³ - 3 × 5/2। अब देखिए 5 × 25 = 125 / 2 × 4 × 8 -5 × 10 = 15 अब इसको सॉल्व करिए देखिए 125 यहाँ पे कितना आया 4 × 15 = 60 × 60/8 ठीक है। अब देखिए इसमें से 60 अगर माइनस कर देते 20 गया तो 40 बचा और 40 यानी कि आपका कितना हो गया 40 × 20 = 60 5 = 65 यानी कि 65/8 आपका आंसर हो जाएगा 65/8 यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मतलब x³ + 1/x³ का वैल्यू कितना हो गया 65/8। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे दिया था sec थीटा बराबर √11/3 तो पूछा हुआ हमसे पूछा हुआ है कि cosec² θ बताइए +tan²θ cosec² θ + tan²θ अपान में sin²θ +cot²θ। बस इसमें कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ऐसे। देखिए ये आपका कितना हो गया, अगर यहाँ थीटा मानते हैं हम लोग, थीटा यहाँ मानते हैं तो यह लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा, यह कर्ण हो जाएगा ठीक है ना। अब देखिए sec थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार कर्ण कितना है 11 है और आधार कितना आ जाएगा आपका √3 आ जाएगा। अब जब इसको निकालेंगे तो √8 आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यह √8 आ जाएगा। अब हमको पता है cosec थीटा बराबर कितना होता है, cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब का मतलब √11/√8। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो 11/8 आ जाएगा प्लस। अब tan²θ बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है आपका √8/3 का स्क्वायर करेंगे तो 8/3 आ जाएगा ठीक है। इस तरह sin²θ करेंगे तो बस साइन का cosec का पलट जाएगा, cosec का उल्टा 11 प्लस इसका cot का करेंगे तो 3/8। बस इसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 11/3 आ जाएगा। देखिए 3 और सही तो है ठीक है ना, सही है 11/3 आ जाएगा दोस्तों, इसको याद रखेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, सॉल्व करेंगे तो 11/3 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन अभी मानेंगे हम लोग। अब इसमें दिया है 1 + sin θ - cos θ / 1 - sin θ + cos θ / 1 + sin θ - cos θ = 4 दिया हुआ है, यह दिया हुआ है थीटा की वैल्यू पूछा हुआ है, थीटा की वैल्यू पूछा हुआ है। अब ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को दोस्तों, अब इसमें क्या करना है ऑप्शन से आपको रखना है, ऑप्शन ए दिया था 30 डिग्री, ऑप्शन बी दिया था आपको 60 डिग्री और ऑप्शन सी दिया था 45 डिग्री और ऑप्शन डी दिया है आपको 90 डिग्री। तो पहले 90 डिग्री रख कर देखेंगे नहीं आएगा, इस तरह रख कर चेक करना है आपको, ये आप करिएगा ठीक है, क्वेश्चन को बस रख कर चेक करेंगे आ जाएगा फटाक से आंसर, इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेने की जरूरत है ऐसे क्वेश्चन में, बस वैल्यू पुटिंग मेथड से करना है, ज़्यादा लंबा मेथड नहीं ले जाएंगे नहीं तो भी गलत होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है, a + b = 8 दिया है और a + b + a² b + b² a = 120 दिया हुआ है। तो उनसे पूछा है a³ + b³ का वैल्यू बताइए, तो आपको पता होगा a + b² क्या हो जाता है a³ + b³ + 3a² b + 3b² a। अब देखिए a³ + b³ का वैल्यू ही निकालना है हमको और a+b का वैल्यू 8 दिया है तो 8³ = a³ + b³। अब देखिए 3 इसमें कॉमन कर लेंगे +3 अगर कॉमन कर लेते हैं हम लोग इसमें तो क्या बचता है a²b b² a। अब देखिए यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं a²b + b² a, a+b का वैल्यू 8 दिया है तो यहाँ पर रख देंगे a²b + b² a, 8 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 120 - 8 मतलब 112 हम लोग यहाँ पर रख देंगे 3 × 112। अब 112 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करके इधर माइनस कर देंगे 8 × 64 = 512 8 का क्यों कितना हो जाता है 512। अब देखिए 3 × 2 = 6 3 × 1 = 3 3 × 3 = a³ + b³।
अब देखिए 512 माइनस 336 करते हैं तो कितना हो जाता है, 12 माइनस 6 6 आ गया, यहाँ बचा 10, 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 का मतलब 7 आ गया, यहाँ बचा आपका कितना 4, 4 माइनस 3 176 आपका आंसर हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसको ध्यान से करेंगे हम लोग, ये सब तो इजी क्वेश्चन है। अब देखिए कैलकुलेटिव है तो हम इसका मतलब छोड़ेंगे थोड़े। अब देखिए ये अभी एलिगेशन मेथड से लगाएंगे। देखिए दिया है 40 वस्तु में से कुछ वस्तु 25% के लाभ पर बेचे जाते हैं, 25% के लाभ पर प्लस 40 वस्तु में से कुछ वस्तु 25% के लाभ पर बेचे जाते हैं और कुछ वस्तु को 10% के हानि पर बेचा जाता है, मतलब 10% के हानि बेचा जाता है और टोटल लाभ हमारा होता है 4%, कितना 4%। अब इसका एलिगेशन मेथड लगा देंगे। अब पूछा है क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, जो 25% पर लाभ होता है उसमें कितनी वस्तु बेची गई, इसकी वैल्यू बता दीजिए। मतलब टोटल वस्तु आपका 40 है, 40 में से कुछ 25% के लाभ पर, कुछ माइनस 10% के लाभ पर, टोटल लाभ 4% होता है। तो जो 25% पर जो बेचा गया जितने वस्तु, उस वस्तु का हमको बता दीजिए, क्वांटिटी बता दीजिए कितने वस्तु बेचे गए। तो बस निकाल देंगे 25 माइनस 4 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इस तरह माइनस 10, 4 माइनस 10 करेंगे, 4 माइनस माइनस 10 कितना आ जाएगा 14, कितना आ गया दोस्तों 14। अब देखिए इन दोनों का रेशियो कितना आ गया, 2 × 7 = 14, कितना आ जाएगा 7 × 2 = 14 और 7 × 3 = 21, 2 ratio 3 आ गया। अब 2 ratio 3 बराबर इतना है, मतलब 5 × 3 = 5, 5 = 40, तो 5 × 8 = 40, यानी 1 = 8। जब 1 = 8 है तो 8 × 2 = 16, मतलब 25 पर हम लोग कितने वस्तु बेचे थे, 16 वस्तु बेचे थे और 8 × 3 = 24, 24 वस्तु किस पे बेचे थे हम लोग, 3 पे बेचे थे, मतलब -10% के हानि पे बेचे थे, इसको याद रखेंगे। चलिए आपका आंसर आ गया कितना 16। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन खत्म हो गया क्या, अच्छा चलिए एक क्वेश्चन अब एक बचा हुआ है, अभी एक पेज और। देखिए यहाँ पे दिया है 5 9 A 4 4 B, यह दिया है, इसे बोला कि 36 से विभाजित है, अगर 36 से यह विभाजित है तो A प्लस B की वैल्यू बता दीजिए। देखेंगे ध्यान से देखेंगे, अब देखिए 5 9 A 4 4 B के अगर नीचे 36 करते हैं और 36 का अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो फैक्टर वो भी को प्राइम फैक्टर करेंगे, कितना आ जाएगा 4 और 9। अब हमको पता है 4 से डिविजिबिलिटी रूल, 4 से वही नंबर कटते हैं जिसके लास्ट वाले नंबर लास्ट डिजिट 4 से कट जाता है। अगर हम लोग लिख देते हैं 4B, यहाँ पे 4B लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे 4B लिखते हैं अगर हम लोग यहाँ पे, तो लास्ट में क्या होना चाहिए 4 4 होना चाहिए, पहले 4 0 होना चाहिए, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए A + B का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, A + B का मैक्सिमम वैल्यू, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार फिर से, 5 9 A 4 4 B को अगर 36 से विभाजित करते हैं तो A + B का अधिकतम वैल्यू बताइए, अधिकतम वैल्यू, मतलब कि हमको थोड़ा सा टफ बना दिया क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 0 होगा तो 4 से कट जाएगा लास्ट में, अगर 4 4 होगा तब भी 4 से कट जाएगा और 4 8 होगा तब भी 4 से कट जाएगा। अगर 4 0 है, अगर हम लोग यहाँ पे 0 रखते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा 5 9 A 4 4, और अगर यहाँ पे 0 रखते हैं पहले और दूसरी बार में 5 9 A 4 4 4 रखते हैं, तीसरी बार में रखते हैं 5 9 A 4 4 8 रखते हैं। जब हम लोग 8 रखते हैं और 0 4 8 रखते हैं तो हमको पता होगा 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है हमारा, कि सारे नंबर का एडिशन 9 से कटना चाहिए, 9 के पहाड़ा में आना चाहिए या फिर 9 से कट जाना चाहिए। तो हमको यहाँ से जब सबको ऐड करेंगे दोस्तों तो 4 4 8, 8 8 16 17, 17 5 कितना आ रहा है आपका 22, 17 5 22, मतलब कि ए प्लस 22 मिल रहा है यहाँ पे हमको। और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है 5 9 5 14, 14 4 4 8 4 3 12, 14 और 12 26, ठीक है कितना आ रहा है यहाँ पे ए प्लस 26 आ रहा है। और यहाँ पे अगर सबको जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, देखिए 9 5 14, 14 और 8 8 16, 14 और 16 27, कितना आ रहा है दोस्तों, नहीं 14 16 30, कितना आ गया ए प्लस 30 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस 30, यहाँ पे ए प्लस 26, यहाँ पे ए प्लस 22। अब आपको देखिए यहाँ पे 22 में क्या, 22 से क्या ऐड करेंगे जो 9 से कट जाए, मिनिमम वैल्यू अगर देखें हम लोग तो 22 और 6 ही ऐड करेंगे ना, देखिए तो नहीं 22 और 5, मिनिमम वैल्यू एक ही 5 होनी चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए एक ही वैल्यू मिनिमम 1 होना चाहिए, तो भी 27 बनेगा। और इसमें क्या होना चाहिए 30 है ना, तो 30 में 6 ऐड करें, 9 × 36 ऐड कर दिए। अब देखिए यहाँ पे एक वैल्यू 6, यहाँ पे एक वैल्यू 1, यहाँ पे एक वैल्यू 5, एक वैल्यू 5 किसके साथ, जब बी की वैल्यू 0 है, यहाँ बी की वैल्यू है। अब देखिए ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 0, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है मेरा 5 आ गया पहले तो। और ए की वैल्यू अब इसके साथ कंपेयर करेंगे, यहाँ पे बी की वैल्यू 4 लिए हुए हैं, ए की वैल्यू 1 लिए हैं, तो ए प्लस बी यानी कि 1 + 4 बराबर 5 आ गया। इसी तरह ए की वैल्यू यहाँ पे 6 है, बी की वैल्यू 8 है, तो 8 + 6 यानी कि 14, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा ए प्लस बी का 14, इस तरह निकालते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखिए इसमें बोला है किसी त्रिभुज की भुजाएं 34 25 और 39 हैं, तो हमें बताना है
अगर उसी त्रिभुज से हम लोग वर्ग बना दें तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है 21 अधिक हो जाता है। अगर इसी त्रिभुज से हम लोग वर्ग बना दें दोस्तों तो वर्ग का जो एरिया आता है वह त्रिभुज के एरिया से 21 अधिक हो जाता है। त्रिभुज का एरिया मान लेते हैं हम लोग त्रिभुज है, त्रिभुज के एरिया से 21 अधिक हो जाता है। तो बताइए वर्ग का भुजा क्या होगा? बस सिंपल है, इसको हीरोज फार्मूला से लगा देंगे तो अर्ध परिमाप पहले निकाल लीजिए, यस बराबर 34 प्लस 25 प्लस 39 बटे दो कर देंगे। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, हम लोग को ऐड करेंगे तो देखिए कितना आ जा रहा है, तो अगर ऐड करेंगे दोस्तों 49 आ जाएगा, काट पीट देंगे तो 49 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग त्रिभुज का एरिया निकाल लेते हैं हीरोज फार्मूला से, तो 49 गुणे 49 माइनस 34 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 माइनस 34 मतलब 15 गुणे 49 माइनस 25 करेंगे, 49 माइनस 25 करेंगे 24, 49 माइनस 39 करेंगे तो 10। अब इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे आराम से निकालेंगे बाहर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा बाहर क्या आ जाएगा, 7 गुणे 5 गुणे 12। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 420 हो जाएगा। अब 420 आ गया क्या, यह आया त्रिभुज का एरिया। हमसे पूछा है कि इसका साइड बता दीजिए वर्ग का, तो हमको पता है अब यह चीज बोला है त्रिभुज का जितना एरिया आएगा उससे 21 अधिक आएगा वर्ग का एरिया, तो 420 प्लस 21 बराबर वर्ग का एरिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 441 बराबर वर्ग का एरिया, 441 किसका स्क्वायर होता है 21 का, तो ए बराबर कितना आ गया 21। ठीक है, इस तरह इसको लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, ध्यान से आप लोग देखते रहिए पेपर को। चलिए थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यह हो गया क्या हम लोग का, हाँ ये पेज हो गया। अब देखिए लास्ट पेज है, लास्ट पेज अच्छे से करते हैं, यह लास्ट पेज है। चलिए तो फटाक से कर लेते हैं। अब देखिए ए की वैल्यू दिया है हमको 2 sin 6θ प्लस cos 6θ माइनस 3 sin 4θ, sin 4θ प्लस cos 4θ। तो हमसे पूछा है cos 3θ की वैल्यू दिया, cos 3θ की वैल्यू दिया है 3 + a बटे के 5 + a, और हमसे पूछा है थीटा की वैल्यू बता दीजिए, थीटा की वैल्यू पूछा। अब देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए। अब इसमें देखिए यह इसका फार्मूला हो जाता है, 2 तो बाहर है ही, इसका फार्मूला हो जाता है 1 - 3 sin²θ cos²θ, ये डायरेक्ट फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब sin 4θ cos 4θ का भी फार्मूला याद होना चाहिए आपको, क्या हो जाता है यहाँ पे 3 × 3 बाहर है 1 - 2 sin²θ × cos²θ, तभी फास्ट हो पाएगा जब फार्मूला याद रहेगा। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 = 6, और ये वाला 2 × 3 = 6 और ये वाला 2 × 3 = 6, यह कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2 - 3 - 3 = 3 - 3। अब देखिए 2 - 3 का मतलब -1 आ गया, -1 किसका आ गया, ए की वैल्यू आ गई -1। अब यहाँ पे रख देंगे -1, तो cos 3θ बराबर 3 - 1 बटे के 5 - 1, 3 - 1 मतलब 2 और 5 - 1 मतलब 4, 2 × 4 रूट में कितना आ गया 1/√2, 1/√2 3θ के लिए किसकी वैल्यू होती है, 1/√2 3θ के लिए 45° की वैल्यू होती है, यानी कि 3θ बराबर 45° और थीटा बराबर 15 × 45, 15 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 15 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको मानेंगे। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी का रेशियो दिया है कितना, 7, 8, 9, तो इसमें बोला गया है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दिया है 504, और आज पूछ लिया ए प्लस सॉरी बी प्लस सी की वैल्यू बता दीजिए, बी प्लस सी की वैल्यू बताइए। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी रेशियो में दिया है, यहाँ पे हमको एडिशन में दिया है, तो रियल में 504 है, रेशियो में इतना है 9 × 10 = 17, 17 × 3 = 20, 17 × 9 = 10 = 17, 17 × 3 = 20, 20 + 24। अब रेशियो में 24 = 504 है, तो इसको जब इससे हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 = 21 आ गया। जब 1 = 21 आ गया, तो 1 = 21 है तो ए के लिए कितना आ जाएगा 7 × 21, लेकिन एक आपको चाहिए नहीं, बी के देखिए बी बराबर कितना हो जाएगा 8 × 21, 8 × 21 का मतलब 8 × 8 = 16, 168 आ गया, तो बी की वैल्यू 168 तक दीजिए। प्लस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, सी का 9 × 21, 9 × 9 = 18, अब इसको जब दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 × 10 = 17, 17 × 7 हाथ में है 1, 8 × 6 = 14, 14 × 15 हाथ में है 1, 1 × 2 = 3, 357 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा ये तो हो गया, ठीक है दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये तो रीजनिंग आ गया। तो आपको अच्छा लगा होगा सेशन, आप लोग थोड़ा सा शेयर करेंगे, अच्छे से शेयर करेंगे इसे, क्योंकि बिल्कुल बिना रुके आपको सारा क्वेश्चन बताया गया जो आपके क्वेश्चन पेपर में आए गए थे 13 अक्टूबर वाले में। बस इसी तरह आप लोग प्यार बनाए रखिए अपना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, इसको अपने उन दोस्तों के पास पहुँचाइए जिनको ज़रूरत है, ठीक है ना। तो आज के लिए थैंक यू, और सारे क्लास आप कर सकते हैं, सारा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो थैंक यू दोस्तों।